गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 13.2 के कुछ क्वेश्चनों की बात की थी, आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में फिफ्थ वाला था, जो अपने पास में दे रखा है यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट एंगुलर सिलेंडर। आपके पास में क्या फाइंड आउट करना है, देखो सबसे पहले तो आपके पास में दे रखा है एक सिलेंडर दे रखा है, उस सिलेंडर का क्या दे रखा है आपके पास में, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि एक बेलन का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 4.4 मीटर स्क्वायर। फिर बोला गया इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, यानी कि उस सिलेंडर जो दे रखा आपके पास में, जो बेलन दे रखा है, उस बेलन के आपके पास में बेस के आधार की त्रिज्या दे दी कितनी, 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट, तो उसकी आपको ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो दे रखा है वो लिख लेते हैं अपन इसमें सॉल्यूशन में। सबसे पहले अपने पास में गिवन जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेता हूँ, दिया हुआ है क्या क्या दे रखा है वो। सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको यहां पर, 4.4 मीटर स्क्वायर ये दे रखा आपके पास में। फिर उसके बाद में इसका दे रखा है रेडियस, रेडियस यानी कि त्रिज्या दे रखी है उसकी, वो कितने दे रखी है, 0.7 मीटर। अब आपसे पूछा इसकी हाइट, हाइट की बात की जा रही है यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपके पास में, उस बेलनाकार सिलेंडरिकल जो दे रखा आपके पास में, उस टैंक की क्या निकालनी है आपको यहां पर। हाँ, ऊंचाई पूछी है, इस ऊंचाई को मैं एच से डिनोट कर लेता हूं, एच मीटर ये मान लिया। अब आपके पास में मैंने ऊंचाई के लिए तो कोई अलग से फॉर्मूला बताया नहीं, तो जो आपके पास में क्वेश्चन में जो दे रखा है गिवन दे हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आप इसी का फॉर्मूला लगाओगे यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला यूज करोगे इसमें। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, हाँ जी, सिलेंडर का सरफेस एरिया यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ जी, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2π r h, ये लिखाया था मैंने आपको फॉर्मूला, तो यहां पर ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट अप कर देते हैं अपन, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया दे रखा था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दे रखा था तो 4.4 मीटर स्क्वायर, 2 × π का मान दे रखा कितना होता है, 22/7, × r का मान दे रखा 0.7, × h का मान चाहिए आपसे, h का मान पूछ है। तो यहां से यदि मैं डेसिमल हटाता हूं, इस पॉइंट को हटाता हूं, तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, 10, 7 से 7 को काट दूंगा मैं यहां पर। अब यहां पर ये 10 तो हो जाएगा इससे, वज्र गुणा 4.4 × 10 = 2 × 22 × h, h का मान चाहिए तो 2 और 22 का इसमें क्या लग जाएगा, डिवाइड कर देगा तो h बराबर हो जाएगा 4.4 × 10 / 2 × 22। 10 को जब 4.4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां से डेसिमल हट जाएगा, आपके पास में होगा 44/2 × 22, और ये 22 = 44, और 44 से 44 कट जाएगा, यानी कि h बराबर आ गया आपके पास में 1 मीटर। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 शायद होगा, ये उसका सॉल्यूशन आ चुका। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, यानी कि पानी को गर्म करने का जो हीटिंग सिस्टम है वो दे रखा आपके पास में, देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार पाइप के रूप में दे दिया गया है,
ऑफ लेंथ इज 28 मीटर। अब यदि वो आपके पास में सिलेंड्रिकल जो पाइप जो दे रखा है वो इस टाइप में दे रखा है, ठीक, ये जिसको इसे खड़ा कर दिया जाए तो वो हाइट के रूप में काम करेगी, यानी कि लेंथ तो होगी वो हाइट का काम करेगी यहाँ पे। एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, और उसका जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएशन रेडिएटिंग सरफेस इन सिस्टम, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर। तो जो गर्म करने का जो सरफेस रहेगा वो ये रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया वाला। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तो इसकी क्या दे दी आपके पास में, लेंथ, और ये दे दिया इसका डायमीटर। अब डायमीटर आपके पास में यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में। और लेंथ जो दे रखी है वो मीटर में, यानी कि इसकी ऊंचाई का काम है वो मीटर में है, और डायमीटर व्यास का काम है वो किसमें दे दिया, सेंटीमीटर में। तो मैंने कहा था इस टाइप के जब क्वेश्चन करते हो तो यूनिट सेम होनी चाहिए आपके पास में, तो इसमें जो दे रखा है वो वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले अपने पास में यहाँ पर तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इसकी लेंथ, लेंथ काम करेगी इसकी हाइट का, हाइट ऊंचाई, हाँ जी ऊंचाई कितनी दे रही इसकी, 28 मीटर। और इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर व्यास दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं यहां पर। तो डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो यानी कि 0.05 मीटर, ये इसकी क्या हो गया, डायमीटर आ गया, व्यास आ गया आपके पास में, ये व्यास दे रखा है। अब आपको त्रिज्या निकालनी है, रेडियस, तो रेडियस त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, व्यास की आती तो 0.05/2 मीटर, ये इसकी क्या आ गया आपके पास में, रेडियस। अब आपसे पूछा है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, ठीक। तो अब आपके पास में पानी गर्म करने के लिए जो रोड होगी वो रोड का देखो ये वाला सरफेस आपके पास में, इसको गर्म करने का काम लिया जाएगा, पानी को होट करने के लिए, ठीक, गर्म करने के लिए ये वाला सरफेस, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले वो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, अरे बेलनाकार पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास में यहां पर, 2π r h, ये रहेगा। तो यहां पर 2 × π का मान 22/7, इंटू आर का मान आपके पास में दे रखा है 0.05 मीटर/2, 2π r h, इंटू एच का मान दे रखा आपके पास में, कितना दे रखा आपके पास में यहां पर, एच का मान दे रखा है 28 मीटर। तो सबसे पहले यहां से 7 की टेबल से 4 टाइम यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग यहां पर तो 22 × 0.05 × 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20, यानी कि डेसिमल लगाना है यहां पर, × 22, फिर 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.4 मीटर स्क्वायर, ये इसका आपके पास में यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, ठीक। तो उम्मीद करता हूं जो आज लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करना, जितने क्वेश्चन होते हैं आपसे अच्छी बात है, बाकी क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।